नहीं, कैलाश, वो कैलाश जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पर संजय भी हमारा मित्र है, हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, और मतलब वो भी, उन्होंने भी अपने जो दावा पेज है वो भी खेलेंगे। वो आपको कॉपी करते हैं, आप यात्रा निकालते, पर अब ये हो सकता है वो क्षेत्र बदल लें, समझ। आपने वो मशहूर गाना तो सुना ही होगा कि दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, कुछ ऐसे ही यारी पर यहाँ पर सवालिया निशान और प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। आप देख रहे हैं शॉर्टकट पॉलिटिक्स और हम बात कर रहे हैं इंदौर की नंबर वन सियासत की, विधानसभा नंबर वन और बीजेपी के नेता नंबर वन मैदान में हैं। जी हाँ, कैलाश विजयवर्गीय विधानसभा एक से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ऐसे में उनके खास सिपेसालार दादा दयालु यानी कि विधानसभा नंबर दो के MLA रमेश मेंदुला, जो कि अक्सर मीडिया के कैमरों से दूर रहते हैं, खामोश रहते हैं, लेकिन अब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। MP न्यूज के कैमरे के सामने दादा दयालु ने साफ तौर पर यह कह दिया कि अब जब कैलाश विजयवर्गीय मैदान में हैं, उनके रिश्ते जरूर संजय शुक्ला से अच्छे हैं, लेकिन जीतेंगे तो कैलाश विजयवर्गीय ही। साथ ही साथ दादा दयालु ने यह संकेत भी दे डाला कि आने वाले कल में कहीं ऐसा ना हो कि वर्तमान कांग्रेस MLA संजय शुक्ला अपनी सीट ही बदल लें। क्या वाकई में उनके इस बयान के कई मायने हैं, और क्या संजय शुक्ला और दादा दयालु के बीच में हो चुकी है चुनावी बात? ये सब कुछ है राज की बात। फिलहाल इतना ही, क्योंकि ये है शॉर्टकट पॉलिटिक्स।